यार बैक माय डियर गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, आपका स्वागत है एक और पाल वर्ल्ड के एपिसोड में। और बेटे, आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम लेंगे इस जंगल के बिग डैडी द किंग पेका से पंगा और उसे सबक सिखाएंगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो ऑल राइट लॉन्डो, अभी तक हमने बहुत ज़्यादा बकचोदी की, अभी तक हमने आई गेस 3-4 पार्ट डाल दिए, और लास्ट वाली वीडियो पे तुम सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़रा वीडियो को लाइक भी करो यार, अभी धीरे धीरे तुम्हारे भाई की वीडियो भी सजेशन में जा रही है। पर ठीक है, वो तो बात की बात है। अभी तक हमने 19-19, 20-20 लेवल वाले छोटे छोटे बॉस के साथ फाइट की, पर आज बेटा, आज है हमारी फाइट द बिग डैडी के साथ में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको लट्ठा दे ही दूँ, पर देखते हैं क्या होता है। तो ऑल राइट गाइज, फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ हमने ये बेसिक काम निपटा देने चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये वीट प्लांटेशन लगा देता हूँ अपने बेस पे, ताकि बेस लेवल में अपग्रेड कर सकूँ, और उसके बाद में गाइज हम लेंगे किंग पेका से पंगा। तो ऑल राइट गाइज, लेट्स स्टार्ट। फटाफट से मिल अनलॉक कर लेता हूँ जबरदस्त टेक्नोलॉजी में से। कहाँ गई बे मिल? हाँ, ये रही मिल। तो गाइज हमने पहले अनलॉक करके रखी, और वीट प्लांटेशन भी, और मुझे कुकिंग पॉट भी अनलॉक करना है। पर साला दिख नहीं रहा है कुकिंग पॉट किधर है, एक मिनट ज़रा देखने दो। इधर इधर ऊपर 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 देखता हूँ एक मिनट। नहीं नहीं यार, इधर नहीं है। तो गाइज मुझे लगता है कुकिंग पॉट हमारा और एक दो लेवल के बाद अनलॉक होगा, पर तब तक हम मिल और वीट प्लांटेशन बना लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स गो। ऐसा बेटे, सबसे पहले गाइज ये मिल बनाने के लिए मुझे एक सही सी जगह ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, मुझे लगता है ये स्टोन पिट के पास में सही रहेंगी। हाँ, कहाँ गई मिल? ओके, मेरे पास स्टोन कम है। पहले स्टोन ये देखो बेटे, स्टोन पिट किस दिन काम में आएगा। ऑल राइट, थोड़ा सा माइनिंग कर लेता हूँ गाइज मैं फटाफट से। और ये छोटू छोटू देखो हमारी मदद कर रहा है हर बार की तरह। फटाफट से थोड़े से स्टोन माइन कर लेते हैं हम। ऑल राइट, ठीक है, आई गेस दिस इज इनफ माई गाइज। आप जरा देखने दो बेटे। ऑल राइट, मिल कहाँ बनाऊँ? हाँ, ये जगह इसको थोड़ा साइड में ही बनाता हूँ, क्योंकि ये उतना कुछ काम में तो आने वाला है नहीं। मैं गाइस सिर्फ इसको बेसिकली अपने मिशंस कंप्लीट हो जाए और बेस अपग्रेड कर सकूँ, इसके लिए बना रहा हूँ। नहीं तो मुझे कुछ ये बकवास मजदूरी वाले काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। अबे भाई, एक काम करते हो, इसे वापस वही पीछे बना देता हूँ, क्योंकि इधर कचरा हो जाएगा गाइस। हाँ, ये पेड़ के साइड में ही सही रहेंगी मिल की जगह। अबे कहाँ गई मिल? हाँ, ऑल राइट, लेट्स बिल्ड इट, कम ऑन हेल्प योर डैडी। ये देखो नल्ले कहाँ गए पता नहीं, मदद करने। हाँ, आ गए आ गए। फटाफट से हाथ चलाओ बे मजदूरों, हमें उधर किंग पेका से भी पंगा करना है। ऐसा आर्मर डैमेज है, ठीक है, आर्मर रिपेयर करना पड़ेगा मुझे। और ये 4-3-2-1। सो ऑल राइट गाइज, हमारी मिल बन चुकी है। अब फटाफट से गाइज मैं अपना वीट प्लांटेशन भी बना लेता हूँ। एक सेकेंड, वीट प्लांटेशन कहाँ से आएगा मेरे पास में? हाँ, ये देखो। अरे यार, इसके लिए भी मेरे पास स्टोन की कमी है। स्टोन पहले हमें जमा करना पड़ेगा, पहले हमें स्टोन इकट्ठा करने पड़ेंगे गाइस। एक सेकंड, मेरे स्टोरेज में कहीं है क्या? देखने दो, स्टोन स्टोन इधर भी नहीं है भाई। इधर देखने दो, इधर भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इधर से मुझे माइनिंग ही करनी पड़ेगी यार, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। अबे भाई कहाँ गए मेरी मदद? हेलो साला, एक छपरी पाल भी हमारी मदद नहीं करता है। छोड़ो यार, मुझे थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा गाइज। ये स्टोन पीट ना मुझे इतना कुछ काम का लगता नहीं है यार हर बार। उससे अच्छा मैं बाहर किसी स्टोन पे अगर मैंने कुल्हाड़ी मार दी तो मेरा मिल जाएगा। पर फिलहाल पास में कोई स्टोन दिख नहीं रहा है, तो इस नल्ले बड़े वाले कटीवा को ही लेके जाते हैं मजदूरी करने के लिए हमारे साथ में। चला बे नल्ले, इधर मदद कर, ठुकाई कर इधर। अरे किधर भाग रहा है छपरी, वापस आ साला। ये एक तो कामचोर आलसी, इसको तो साले को वापस ले जाना ही पड़ेगा। चल बे छपरी, मदद कर मेरी उधर में। अबे ऐसा, हाँ ओके, ऑल राइट गाइज, फाइनली ये हमारी मदद कर रहा है। चलो बेटे, तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए थोड़ा वीडियो स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये काम बहुत बोर है। हम डायरेक्ट मिलेंगे आपको पूरे स्टोन का कलेक्शन होने के बाद। सो ऑल राइट गाइज, हमने सारे स्टोन्स कलेक्ट कर लिए, अभी फटाफट से मैं बनाता हूँ वीट प्लांटेशन को। ऐसा कहाँ बनाओ? अबे भाई ये तो बहुत बड़ा है, इसको बनाने की सही जगह कहाँ होंगी? एक काम करते हो, इधर बाहर ही बना तो रेंच के साइड में, इसको ज़्यादा जगह लगेंगी इसलिए।
देखो 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 मेरे इरादे, वैसे कहाँ तेरे यहाँ भी आओ इतनी आसान है। अबे भाई इधर कंजेस्टेड हो जाएगा, इधर बना है तो इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं यहाँ पे। हाँ ऑल राइट, आओ बे नल्लो मदद करो बाप की, ऐसा। चलो बाकी सब कामचोरे पर ये हर बार तीन चार हमारी मदद करने आ ही जाते हैं, दो कटीवा और दो पेंगुलेट। चलो कोई बात नहीं, ऑल राइट। साले इतना टाइम क्यों लग रहा है बे? नहीं नहीं बन गया बन गया। सो ऑल राइट गाइज, अभी मुझे शायद से यहाँ पे सीड्स सो करनी पड़ेंगी। साले पर मेरे सीड्स वाले पोकेमोन कहाँ गए सब? वे भाई ये तो बेरी प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं। रुको एक सेकेंड, ज़रा मुझे देखने दो मैं किसे बुला सकता हूँ क्या। डिनो माई बॉय, आई सिलेक्ट यू। यस ओके, तो डिनो कर रहा है गाइस, सीड्स लगा रहा है डिनो। ठीक है भाई तू सीड्स लगा यहाँ तक, ठीक है भाई तब तक तू सीड्स लगा। मैं इधर पीछे में देखता हूँ, मेरा आर्मर शायद से मैंने रिपेयर कर लेना चाहिए क्या अभी? नहीं 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 रुको गाइस, पहले मुझे देखने दे मिल का क्या फंक्शनिंग है। ओके मिल में मुझे वीट डालना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ से आटा मिलेगा। ऑल राइट तू बता बे नल्ले, जल्दी जल्दी काम कर। हाँ ठीक है गाइस, जब तक ये सीड लगाता है तब तक मैं थोड़ा देख लेता हूँ। अबे ये कौन है भाई? ये मर गया बेचारा। तो ऑल राइट गाइज, यहाँ हमारे डीनो ने ज़बरदस्त सीड्स लगा दिए हैं और अभी यहाँ पानी डालने की ज़रूरत है। पर देखो गाइज, ये कोई भी नल्ला नहीं है जो इसको पानी दे रहा है। कोई नहीं यार, मुझे इसमें पानी डालना पड़ेगा। ऑल राइट ऐसा पानी देना हो चुका है, अब इसको बढ़ने दो। तब तक ये रैंच में तुम बताओ भाई, नल्लो कुछ अंडा वंडा देते हो कि नहीं, सिर्फ टाइम पास करते हो नल्लो यहाँ पे? चलो ठीक है कोई नहीं गाइज, ये सब बेसिक से काम निपटा दिए हमने। अब फटाफट से अब आ चुका है वक्त, हम लेंगे किंग पेका से पंगा। पर पहले उसके लिए मुझे देखने तो मेरे पास पोकीमोन सब सही है क्या? नहीं बेटे तू बाहर जा। अजूरोप गाइज, अजूरोप बहुत काम की चीज़ लग रहा है मुझे, और ये आरसॉक्स भी बहुत काम का लग रहा है। रिलैक्सो को रखूँ कि नहीं रखूँ? रखूँ कि नहीं? रख ही लेता हूँ यार, रिलैक्सो बहुत काम की चीज़ है, बहुत इसका अटैकिंग स्पीड बहुत अच्छी है। बाकी पोकीमोन सब नल्ले टाइम पास करती है, फटाफट अटैक करता है। मोसांडा गाइज, ये मोसांडा बहुत 23 लेवल का गाइज, ये मोसांडा था 28 लेवल का, बहुत पापड़ बेल के पकड़ा है मैंने इसे, तो इसको तो रखना ही पड़ेगा बेटे। डीनो माई बॉय, डीनो को लूँ क्या गाइज? मोसांडा को रखूँ कि डीनो को रखूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, किंग पे का ग्राउंड टाइप का पोकीमोन है तो किस स्पार्किट? नहीं स्पार्किट तो कोई काम में नहीं आएगा गाइस, ग्राउंड टाइप पोकीमोन के अगेंस्ट में ये कोई काम हमारी मदद नहीं कर सकता। एक सेकंड किसको रखूँ? अजूरोब भाई यार बहुत कंफ्यूज हो, रुको एक सेकंड ज़रा मुझे सोचने दो मैंने किसे लेना चाहिए और किसे नहीं। तो एक सेकंड, क्या मैं इसको रख के डिनो ले लूँ अंदर? ऑल राइट गाइस, ये कॉम्बिनेशन सही लग रहा है मुझे, तो ठीक है गाइस ये फाइनल कॉम्बिनेशन सही है। कम ऑन बेटा एक हिट डियर डियर, लेट्स गो। ऐसा तो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से टेलीपोर्ट होके, मेरा मतलब फटाफट से फास्ट ट्रेवल होके हम जाते हैं किंग पेका से लड़ेंगे। यस गाइस, मैं यहाँ बीच में किंग पेका से लड़ने जा रहा था तो मुझे ये गुफा दिख गई। मैं गुफा के अंदर गया तो ये नल्ले सिंडिकेट थग ने मुझ पर हमला कर दिया। पर तुम्हें तो पता ही है बेटे, सिंडिकेट थग का बाप एक ही है, वो हूँ मैं द साइबॉर्ग। तो बेटे मैंने इन सबको बहुत ज़बरदस्त टीका तो लगा दिया है, अब ज़रा आगे जाके देखने तो केव में क्या है। मुझे जितना पता है केव के अंदर में एक बॉस होता है गाइस ज़बरदस्त, जिसको हमें हराना पड़ता है। ओके सो कौन है बॉस यहाँ पे? सिलेरी। अबे भाई छपरी। तो गाइस इधर हम फटाफट से सिलेरी को हरा देते हैं। डीनो माई बॉय प्लीज़ फिनिश हिम। बेटे ये डीनो बहुत काम की चीज़ है, इसका लट्ठा इतने ज़ोर से लगता है सामने वाले की पूरी बैंड बज जाती है। ऐसा बेटे मारो उसको। रुको गाइस रिलैक्सो का लेवल बढ़ाना चाहिए। रिलैक्सो माय बॉय, आई सिलेक्ट यू। बे मार नल्ले रिलैक्सो और उसको, साले मेरा आर्मर तोड़ दिया उसने। ऑल राइट बहुत कम हेल्थ है वैसे इसकी, भाई बच गया। अबे भाई कहाँ मार रहा है तू छपरी? भाई रिलैक्सो को बहुत डैमेज दे दिया इसने। कम ऑन रिलैक्सो माय बॉय अटैक हिम। ओके ऑल राइट गाइज, रिलैक्सो ने उसे हरा दिया है। तो गाइज ये ऐसे ही मैंने थोड़ा सा बीच में टाइम पास कर लिया था, पर अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किया लेट्स गो। तो ऑल राइट गाइज, हम फटाफट से इधर आ चुके हैं फास्ट ट्रैवल करके। पर बेटे जरा एक सेकेंड रुको, ये है कहाँ पे किंग पे का? इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे याद नहीं यार, एक सेकेंड मैप में देखने दो। ओके ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है हमारे। ऑल राइट यानी मुझे अभी यहाँ से सीधा सीधा ही जाना है। कम ऑन माई फ्रेंड डियर, चल साले मुझे लेके चल वहाँ पे। भाई यही तो होता है यार किंग पे का, किधर गया नल्ला? ओके ऑल राइट हियर इज।
अब आएगा मजा। पर रुको गाइज, सबसे पहले मेल पैकर को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि गाइज ये नल्ले 10 बार बीच बीच में आके फाइट के बीच में हमें उंगली करेंगे, तो उससे पहले हम ही इन्हें ख़त्म कर देते हैं। चल नल्ले एक तो ख़त्म हो गया। तू आ छोटू, ये तो 5 लेवल का ही है। चलो बेटे ऑल राइट। सो ऑल राइट गाइज, अब आएगा मजा, अब आएगा। तो ऑल राइट गाइज, लेट्स स्टार्ट अवर फाइट। ये ले साले इलेक्ट्रिक बॉल नल्ले। ओ गाइज भाई सोलर भी मर, बाप रे। अबे नल्ले भाग भाई भाग साले। ये देखो ये डियर भी इतना नल्ला है, अभी इसकी तारीफ कर रहा था मैं, पर ये बहुत आलसी है भागने में। रुको एक सेकंड। अबे भाई ये क्रॉसबो, इसके रिलोड के चक्कर में गाइज मेरी पेटी बन जाएंगी। रुको एक सेकंड, तू एक और इलेक्ट्रिक बॉल ले। ऑल राइट नाउ इट्स टाइम टू चेंज द पोकेमॉन, कम ऑन डीनो माई बॉय, लेट्स गो। ऐसा बेटे, अब डीनो उसको देगा पूरी तरह से लट्ठा। पहले मेरा माउस, माउस क्यों काम नहीं कर रहा? अरे मेरा माउस। रुको गाइस एक सेकेंड। ऑल राइट डीनो तू अंदर आ। आरसॉक्स तुम जाओ बेटे, जला दो उसे। ऑल राइट साले ने मुझे बहुत खतरनाक डैमेज दे दिया। ऑल राइट गाइस, आरसॉक्स ने काम कर दिया, उसको आग लगा दिया किंग पेका को। ऐसा रुको बेटे, ऐसा बेटे मारो उसे। तब तक गाइज मैं एक काम कर लेता हूँ, ऐसे ही छुपा रहता हूँ, क्योंकि बेटे मेरी हेल्थ बहुत कम है, उसके एक ही सोलर बीम में मेरा खेल खत्म हो सकता है। ओ भाई आरसॉक्स बहुत काम की चीज़ है गाइज, बहुत काम की चीज़ है गाइज, इसने लगभग जला ही दिया है किंग पेका को। एक काम करता हूँ गाइज, आरसॉक्स को और डैमेज देने देता हूँ। लगभग जला ही दिया है उसने किंग पेका को, फिर बाद में अपने बिग बॉय डीनो को भेजूंगा। यह है बेटे हमारा मास्टर प्लान। भाई सोलर बीम, इसके सोलर बीम से बचना चाहिए। ओ सही टाइम पे अंदर बुला लिया। कम ऑन आरसॉक्स माय बॉय, किल हिम। भाई नहीं, मेरे ऊपर नहीं, बच गया बच गया। भाई इसका ये स्टॉर्म बहुत खतरनाक है। आरसॉक्स मार उसे। अबे भाई भाग रहा है वो, मार उसको। अबे छपरी, ये देखो गाइस आलसी। मैं जब भी नल्लो की तारीफ करता हूँ ना, उसके अगले सेकंड ही गाइस ये कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक सेकंड रुको, आरसॉक्स तुम खाना खा लो। अबे पर ये गया कहाँ पे, यही तो भगा था। अबे यार साला ये गेम में इतने ग्लिच है ना यार, क्या करूँ। आरसॉक्स देखो उधर भाग गया, अंदर आ भाई तू। एक सेकेंड गाइस, पर ये मैप में देखने दो। ओके वापस उसी लोकेशन पे चला गया वो। अबे यार अब मुझे चढ़ना पड़ेगा वापस इतना ऊपर। भाई पर ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है यार किंग पे का, कसम से अगर इसने अगर कंटिन्यूस 2 अटैक मुझ पर कर दिए मेरा तो खेल ही ख़त्म हो। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसके अटैक से बचना पड़ेगा और अपने पोकेमोन को ही ज़्यादा काम करने देना पड़ेगा। देखो एक सेकंड, पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा। साला ये स्टैमिना जल्दी ख़त्म हो जाता है यार। चलो कोई नहीं, आ चुके हैं बेटे हम ऊपर। फिर कहाँ गया किंग पे का? हाँ ये आ गया भाई नल्ला पीछे से। कम ऑन कम ऑन अजुरोब, किल हिम। गाइस अजुरोब के साथ भी हमारी खतरनाक बॉस बैटल हुई थी। एक सेकंड, अबे भाई 16 का डैमेज साले। रुको गाइस मुझे दूर ही रहना चाहिए आजुरोब। अबे भाई क्या कर रहा है नल्ला, आजुरोब इतना धीरे धीरे हमला कर रहा है। रुको गया, सोलर बीम खाई भाई इसने, सोलर बीम खाई। कम ऑन डियर आई सिलेक्ट यू। तो भाई डियर गलती से आ गया। रुको रुको, अबे सोलर बीम बस। अबे भाई आजुरोब, अबे तू मार ना उसको। आजुरोब कोई काम का नहीं है। रिलैक्स हो माय बॉय, आई सिलेक्ट यू। मार ना छपरी उसको। अबे भाई पूरी इसका स्टॉम्प बच गया। रिलैक्स हो, किल हिम। ओके 22 का डैमेज। ऑल राइट ऑल राइट, मार मार, ये अटक गया गाइज, ये मेरा चांस है। अरे नहीं 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 अटका, नहीं अटका, सॉरी 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 भाई। अरे भाई ये इधर मत आ प्लीज, बहुत सही बहुत सही। अबे नहीं सॉरी सॉरी भैया, सॉरी भैया सॉरी, बच गया भाई। इसकी अगर गाइज वो गलती से भी वो सोलर बीम हमें लग गई ना, मेरा तो खेल ही खत्म है भाई। रात हो रही यार, जल्दी हराना पड़ेगा। बच गया भाई सोलर बीम से। ओ भाई कम ऑन, रिलैक्स हो, रिलैक्स हो गाइज, काम का बंदा तो है, दे रहा है उसे लट्ठा ये। ओके पॉइजन दे दिया। ऑल राइट अरे भाई रिलैक्स हो को 283 का डैमेज हो गया, अभी क्या करूँ। अबे भाई तू मेरे तरफ माता यार प्लीज़, पोकेमॉन से नड़ना नल्ले। भाई बच गया, 12 का डैमेज दिया। अबे ये क्या खुल गया? रुको रुको गाइज मैं बहुत पैनिक कर रहा हूँ यहाँ पे। चल मार, एक काम करता हूँ। अरे सोलर बीम भाई बच गया साले, बच गया भाई। रिलैक्स हो, रिलैक्स हो को बहुत खतरनाक डैमेज दे दिया भाई इसने। रुको गाइस ऑल राइट, रिलैक्स हो का 16-17 का डैमेज पड़ रहा है, पर फिलहाल यही ठीक है,
मेरा ये प्लान है गाइस, इसको थोड़ा सा 500-600 एचपी तक लेके आऊँ, फिर वापस हम डीनो को भेज सकते हैं इसको मारने के लिए। अरे भाई ये क्रॉसबो रिलोड क्यों नहीं होता है नल्ला? अरे बच गया रे, बहुत अच्छे रिलैक्स हो, बहुत अच्छे। ओके मेगा स्पीयर है सिलेक्ट यू, भाई भाग गया नल्ला तो मेगा स्पीयर में से। रुको मुझे लगता है थोड़ा और डैमेज देना पड़ेगा। अरे भाई मेरा एक एक अटैक में इसने मेरा आर्मर खा लिया पूरा। रुको रुको एक सेकेंड, किसको सिलेक्ट करूँ अभी? अभी ये नल्ले स्पार्किट, अबे भाई सिंडिकेट थक आ गए छपरी। अजूरो, अरे भाई अजूरो ये कौन नल्ला है गाइस? इसको पकड़ने में इतनी मेहनत की मैंने और ये नल्ला एक काम नहीं कर रहा है। ठीक है आर्जॉक्स तुम मारो बेटा उसको। ओ भाई 210 का डैमेज आर्जॉक्स का। ऑल राइट आर्जॉक्स ही है गाइस, एक सेकेंड ज़रा पकड़ने की कोशिश करता हूँ इसे। अरे भाई नहीं, बच गया सोलर बीम से। रिफ्लेक्स देख रहे हो तुम्हारे भाई के, एकदम सही सही टाइम पे। ओके आर्जॉक्स मेरे भाई आगे से मार उसको। पूरी स्टॉम्प, बच गया। अबे भाई मेरा अटैक, अबे ये एक सेकंड में थंडर बॉल कौन चला रहा है? अरे गाइस ये सिंडिकेट थग और ये नल्ले जो लावारिस पोकेमॉन घूमते हैं ना छपरी। अरे बच गया सोलर बीम से भाई, मेरे को लग गया यार इसका अटैक। आर्जॉक्स नहीं भाई, और आर्जॉक्स गैरू को थोड़ा मेगा स्पीयर मारता हूँ, तब तक मुझे रिकवरी का टाइम मिलेगा। भाई बच गया, सोलर बीम नहीं, बच गया बच गया भाई। अबे भाई क्या हो रहा है? अरे हेवी पैनिक। रुको रुको गाइस एक मिनट, जरा मुझे थोड़ा डिस्टेंस बनाने दो इससे। अब किसको सिलेक्ट करूँ? कम ऑन डियर माय बॉय फिनिश हिम। रुको गाइस ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। लग जा भाई एक तो तीर, लग जा भाई, फिर से मिस हो गया गाइस। इधर गाइस मैं बहुत पैनिक हो रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। रुको ये साले नल्ले आ गए ना बीच में उससे पंगा करने के लिए, बहुत हार्ड। ये देखो एक नल्ले को तो इसने ख़त्म कर दिया। अभी भाई मैं गया काम से। ठीक है 20 का डैमेज भाई, 286। ओके मेगा स्पीयर, ऑल राइट कैच हिम। नहीं साले, रुको रुको गाइस इसे और डैमेज देना पड़ेगा। अब किसको सिलेक्ट करूँ भाई? डियर गलती से आ गया भाई बाहर। रुको एक सेकंड क्या करूँ? डियर, अरे मेरे बेटे डियर को भी गाइस, डियर को दे दिया इसने, इसने डियर को दे दी भाई लकड़ी पीछे से बड़ी वाली। एक सेकंड रुको, कम ऑन डीनो माय बॉय फिनिश हिम। गाइस डीनो, डीनो बहुत काम की चीज़ है गाइस। अरे डीनो को दिया 667 का, ऑल राइट 194 मेगा स्पीयर पकड़ ले। अबे यार अरे भाई डीनो, डीनो ख़त्म कर देगा भाई इसको तो। डीनो को और एक दो अटैक करने देता हूँ इस पर। ठीक है मेरा अटैक सही था एक, कम ऑन डीनो। अरे बहुत है, एक सेकेंड मेगा स्पीयर फेंका है मैंने, ऑल राइट। बे यार अरे रुको रुको गाइस एक और मेगा स्पीयर, ये मेरा आखिरी मेगा स्पीयर है गाइस। शिट गया भाई, इसको पकड़ना कैसे पकड़ू? नहीं नहीं एक और मेगा स्पीयर है, ऑल राइट आजा आजा हट। बे यार अब कैसे पकड़ू नल्ले को? अरे इसने मेरे को ले लिया कोने में। अरे आर्मर गया, भागो। अबे भाई बहुत हार्ड, डीनो, डीनो ने गाइस को जकड़ लिया। ये ले बेटे सादा वाला स्पीयर ले तू एक। अरे भाई एक और 5%, आर यू सीरियस? रुको गाइस थोड़ा और डैमेज देता हूँ इसको। अबे भाई रुको, अरे रुको रुको एक तीर लग जाए गाइस। ऑल राइट अब मेरा काम हो जाना चाहिए। यस 5%, अरे अरे बाप रे बाप, सरकते जा नल्ले, एक और स्पीयर ले। अबे यार 30% हो गया था। रुको गाइस अब साले पे पूरे स्पीयर्स का ही स्पैम करूंगा, ऐसे कैसे नहीं पकड़ में आएगा तू। अरे गाइज मेरी हेल्थ बहुत कम है, सोलर बीम से बच गया गाइज। अरे आल इज वेल, आल इज वेल, आल इज वेल, आल इज वेल। अरे यस, अबे भाई नल्ले गाइज इतनी खतरनाक सिचुएशन है ना। एक सेकंड थोड़ा खाना खाने दो मुझे, ऑल राइट। अरे भाई बच गया, अबे भाई स्पीयर मिस हो गया। एक सेकंड रिलैक्स हो माई बो, नहीं 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 रिलैक्स हो को नहीं फेंक सकता भाई, इसको ख़त्म कर देंगे रिलैक्स हो। अरे अबे यार नल्ले पकड़ में आजा छपरी आप। अबे यार अरे मेरे ताऊ मेरे बाप आजा अंदर प्लीज। यस आई थिंक दिस इज इट। अबे यार फिर से अरे बेटे मेरे ताऊ मेरे पिताजी मेरे मालिक मालिक, मालिक।
ऑलराइट, फाइनली पकड़ लिया छपरी को साले किंग पे का। अपने घर का किंग होगा तू नल्ले, मैं हूँ असली बाप। अरे बाप रे, पूरी हवा निकाल दी गाइस इसने तो। और फाइनली हमने पकड़ लिया इसे भाई। अब तक की गाइस सो फार सबसे खतरनाक फाइट थी भाई जो भी मैंने इस पाल वर्ल्ड में लड़ी है। गाइस अगर तुम इस फाइट के बाद अगर तुमने लाइक नहीं किया ना गाइस, कर दो यार लाइक प्लीज। इससे खतरनाक भाई, सारे स्पीयर खत्म हो गए मेरे, मेगा स्पीयर, मेरी हेल्थ भी कम थी। यानी सोचो गाइस ये इतना क्लोज था, अगर उसका गलती से एक भी गाइस एक भी उसका अटैक मेरे से कनेक्ट हो जाता ना, मैं तो खत्म था गाइस, खत्म था गाइस मैं। पर गाइस फाइनली मैंने पकड़ लिया है गाइस उसको। ऑल राइट, सो द किंग ऑफ द जंगल इज हियर। मजा आ गया बेटे। तो ऑल राइट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो तो गाइस एक लाइक तो बनता ही है गाइस। आज की वीडियो में गाइस मैंने इतनी जबरदस्त मेहनत की है और इतना जबरदस्त शब्द नहीं है गाइस मेरे पास में। तो गाइस ऑल राइट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आऊंगी तो जरूर से लाइक करें, और हाँ कमेंट करके अपना फेवरेट मोमेंट बताना ना भूले। और हाँ गाइस, अब भी तो असली मज़ा आना शुरू हुआ ये सीरीज में। आज हमने हमारे फर्स्ट बिग डैडी पोकेमोन को पकड़ा, पर आगे का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। पर बेटे हम डरते हैं क्या? नहीं ना। तो ऑल राइट गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।